हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। और आज ये जो क्लास है ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ आप लोगों का जो एग्जाम होने वाले हैं 27 फरवरी को इंग्लिश कोर का पेपर जो आप लोगों को देने वाले एग्जाम, इसके रिगार्डिंग आप लोगों के सामने मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं और पूरे साल भर अगर कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो यकीन मानिए आप पैसेज का 8 मार्क्स, ग्रामेटिकल सेक्शन का 10 मार्क्स, यानी 18 मार्क्स आप यूं ही चुटकी में ला सकते हैं अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। और याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर ले जल्दी से। और 1 अप्रैल से मेरे प्यारे, एक बात याद रखिएगा आप लोगों के लिए, 1 अप्रैल से हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस स्टार्ट हो रही है क्लास 12 की, तो बिल्कुल आप लोग ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना ना भूलिए। क्लास 12 के लिए तबड़तोड़ तरीके से तैयारी कराया जाएगा। सबसे पहले प्ले स्टोर को जाना है और प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा मिसाइल क्लासेस। क्या मेरे दोस्त? MISSILE मिसाइल क्लासेस को एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और क्लास 11 के साथ साथ अब क्लास 12 की 1 अप्रैल से भरपूर बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, जिसका फी एकदम मिनिमम होगी। एक बार पे करें और पूरे साल भर रगड़ कर आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा, वो भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, सुबह और शाम दोनों टाइम। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर में और पैसेज बनाकर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको पैसेज को पढ़कर सुनाता हूं और ये पैसेज के अंदर में 5 क्वेश्चन छुपा हुआ है। याद रखिएगा, इस पैसेज के अंदर में 5 क्वेश्चन छुपा हुआ है। इस पैसेज को अगर अच्छी तरह से आप अगर रीड करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि पैसेज को अगर सही तरीके से आप अगर देखते हैं तो 5ों क्वेश्चन को आंसर आप इजीली से कर लेंगे। मेरे दोस्त, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझिए। कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए पैसेज का तो आपको कभी भी पैसेज पढ़ना की आवश्यकता नहीं। पहले पैसेज मत पढ़िए, पहले अटैक कीजिए आपको क्वेश्चन पे। पहले अटैक करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर? चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क एज ए लेबर बिकॉज, याद रखिएगा ये क्वेश्चन है। अब हम लोग देखना है सर कहां पे ये टर्म लिखा हुआ है इस पैसेज में, सर कहां पे ये टर्म लिखा हुआ है, हमें ढूंढना है। क्या करना है? हमें ढूंढना है। तो मेरे दोस्त, ये जो आप लोगों का पैसेज है, पैसेज में आपको कहीं ना कहीं वो आपको मिलेगी। क्या मिलेगा मेरे भाई? कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप अच्छी तरह से देखिए चाइल्ड लेबर के बारे में क्या लिखा है मेरे भाई। चाइल्ड लेबर इज द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम एंड इट इज द बिगेस्ट मैटर ऑफ कंसर्न फॉर आवर कंट्री टू एज ए फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन इज गोइंग टूवर्ड डार्कनेस ड्यू टू दिस सोशल इवल। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सिर्फ आपको सुनना है, कैसे ढूंढना है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इंस्टेड ऑफ एंजॉय देयर चाइल्डहुड दे आइदर बिकॉज ऑफ द परसेंट सेल्फिशनेस ऑफ बिकॉज ऑफ द आर बिग फोर्स्ड लक ऑफ देयर बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल। अब हमें मिल गया सर इसका आंसर, मिला या नहीं एक बार आप जल्दी से बताइएगा सर, इसका आंसर हम लोगों को मिला या नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या सर? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ देयर बेसिक नीड ऑफ सर्वाइवल, पहला मिल गया सर। ऑफ द प्रेटेंड सेल्फनेस, तो देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, एक बार अच्छी तरह से देखिएगा। यहाँ पे ये भी आपका याद रख, सर्वाइवल आपको मिल गया मेरे दोस्त, बिकॉज भी मिल गया, इसके बाद यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ होगा, उसका आप क्या करना है, उसका आंसर आपको सही से क्लियर करना है। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 2। पहला हम लोगों को पता चल गया सर, पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगी ना वो बोथ होगा। क्या हो जाएगी? बोथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशन सर्वाइवल व्हाट इज द नंबर ऑफ चाइल्ड वर्किंग एज ए लेबर। देखिए मेरे भाई, अब आपसे यहाँ पे नंबर पूछा गया है, देखते हैं नंबर कहाँ पे लिखा होगा। कहीं तो होगा नंबर, कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल नंबर होगी, उस नंबर को देखने का वो नंबर कितना है, तो वह नंबर आपको देखना है कितना लिखा है मेरे दोस्त। याद रखिए, अकॉर्डिंग टू द नेशन सर्वाइवल मोर देन 13 मिलियन चाइल्ड, मेरा अभी जस्ट बताया ना, बस आपको सही तरीके से पढ़ने चाहिए। बस अगर सही तरीके से पढ़ लेते तो इजीली सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 13 मिलियन। क्या हो जाएगी? 13 मिलियन। 2 मार्क्स फिक्स हो गया सर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया, बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर व्हाट आर द चिल्ड्रेन डेब्रिबाइटेड ऑफ, तो बताएंगे सर इसका आंसर कहाँ पे मिलेगी। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन का, ये आपका पैसेज है, पैसेज में आपको देखना है मेरे भाई। देखिए, चाइल्ड इज गेटिंग
फॉर एडुकेशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एडुकेशन। कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, आपको बस उस सही चीज को आपको ढूंढना है, बस ढूंढने का नजरिया चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो बोल सकते हैं सर क्या हो जाएगी? तो बोलाएंगे सर एडुकेशन इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है सर? कि एट व्हाट एज चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड इन चाइल्ड लेबर, तो कौन कितने उम्र से होगी? तो मेरे भाई यहाँ पे उम्र के से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उम्र आपको ध्यान से देखना है, उम्र कहीं ना कहीं आपका मैच करेगी। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 5 to 7 ईयर। सारा क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ही होगा, बस ढूंढने का नजरिया आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या करना होगा? ढूंढने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करना होगा। 5 to, याद रखिए 5 to, मैंने क्या बताया मेरे भाई? 5 to 7 ईयर। देखिए लिखा हुआ है या नहीं, डिज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, व्हाट डू थ्रेविंग इन द पेसेज मीन्स, तो बताएंगे सर इसका जो मीनिंग होती है ना वो प्रेसिंग होती है, ठीक है, प्रोग्रेसिंग होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए। अब आते हैं सर 5 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो गया कि 5 मार्क्स मेरे कॉपी में छप जाएगी। अब आते हैं सर आपका लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट होती है, आर्टिकल क्या है, नोटिस राइटिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग क्या है, और उसके बाद आपका रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ आपका जो पूछे जाते हैं आर्टिकल, वो आर्टिकल क्या है, ये सब हम लोग क्लास 12 में मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव है। क्लास 12 में तो आपको पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, वहाँ एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगी। ठीक है, समझिएगा। आपसे पूछा गया वेयर डू वेयर राइट डेट इन ए लेटर टू द एडिटर, जब अब भी हम लोग एडिटर को लेटर लिखते हैं तो हम लोग डेट को कहाँ मेंशन करते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो बताएंगे बिफोर रिसीवर एड्रेस के पहले, याद रखें पहले करते हैं मेरे भाई, जो रिसीवर होते हैं ठीक उनके पहले हम लोग डेट का मेंशन करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन ए फॉर्मल लेटर सॉल्यूशन इंक्लूडेड, तो बताएंगे सर क्या होगा? सर और मैडम, क्या हो जाएगी मेरे भाई? सर और मैडम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, आपको यहाँ पे ग्रामेटिकल चूज करना है, एक स्टेटमेंट होगी जो इनकॉरेक्ट होगा उसको आपको अरेंज करना है। क्या मेरे भाई? उसे अरेंज करना है। सबसे पहले ये आप देखिए, सबसे पहले आपको ये पर देखना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? आई। तो मेरे भाई सब में आई लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गया। आई के बाद हम लोग लिखते हैं सर यूज्ड, याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे यूज्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है। उसके बाद लिखना है मेरे दोस्त माय स्कूल, तो देखिए यहाँ पे भी माय स्कूल है, यहाँ पे भी माय स्कूल है, यहाँ बाय बाइक साइकिल हो गया, तो बिल्कुल ये गलत है। बचा मेरे पास 2 ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है सर स्कूल टूल, क्या लिखना है मेरे भाई? याद रखिए स्कूल टू, और स्कूल टू में लिखा हुआ है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का सॉरी स्कूल और टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू। तो मैंने भाई याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है स्कूल टू लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए क्या? आई यूज टू गो टू माई स्कूल ऑन माई बाइक साइकिल, टू पहले लिखा हुआ है। हम लोग बोलते हैं ना आई गो टू स्कूल, बोलते हैं ना मेरे भाई, तो वहीं पे वही लिखा है कि आई यूज टू गो टू माई स्कूल ऑन माई बाइक साइकिल, मैं अपने स्कूल जाता हूँ अपने बाइक साइकिल पे, साइकिल पे। ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताते हैं, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है आई हैव नो फ्रेंड, ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लोग बोलते हैं सर आई हैव नॉट नो फ्रेंड, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। आई हैव नो एनी फ्रेंड, बिल्कुल गलत बात है। आई हैव एनी नो फ्रेंड, ये भी गलत बात है। आई हैव एनी फ्रेंड नो, नहीं बिल्कुल गलत है। आई हैव नो फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है सर कोरोना वायरस डस आउट इन द सिटी, तो बताएंगे सर कोरोना वायरस क्या हो गया? हैज ब्रोकन इन द सिटी, क्या बोलेंगे मेरे भाई? कोरोना वायरस has broken out in the city, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, आई डैश टू गो टू द टेम्पल एवरी डे, मैं रोज जाता हूं मंदिर, तो रोज का मतलब होता है जाता हूं मतलब गो, आई गो टू द टेम्पल एवरी डे, क्या कहता हूं? मैं रोज जाता हूं मंदिर, मैं जा रहा हूं तो नहीं होगा मेरे भाई, और आई के साथ एस तो नहीं लगता। अगर आप 10 क्लास पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कहां पे ईएस लगता है कहां पे एस लगता है ना, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, कुसुम इज रिलेटेड डैश विथ मी, कुसुम इज रिलेटेड विथ मी, मेरे साथ कुसुम का रिलेशन रिलेटेड है, ठीक है, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, एक्सीडेंट डैश हैपन इन ए क्राउडेड सिटी, तो कैन क्या लिखेगा? एक्सीडेंट कैन हैपन इन ए क्राउडेड सिटी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। What that an apple fell? तो बताएंगे सर मिक्स, क्या हो जाएगी? मिक्स, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
फिर आपके सामने एक पैसेज होगी और ये पैसेज आपका आएगा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का ये पैसेज होगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये पैसेज का क्वेश्चन का आंसर आपको तभी सॉल्व कर पाएंगे आप जब आप बुक को अच्छी तरह से पढ़ें। अगर बुक को नहीं पढ़ें और आप पैसेज को सॉल्व करना चाहते हैं, कैसे करना है ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन पे अटैक्ट करते हैं सर। पहला कि नेम द पोएम ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, कहां से लिया गया है? द वॉइस ऑफ द रेन। पहले बात तो ये आप सकेंगे नहीं अगर आप बुक नहीं पढ़े हैं, तो आप सोचेंगे कि हम शर्मागेज पेपर बर्मागेज पेपर ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग रट्टा लगा करके हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। अब एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, जैक बोर्ड को भी लेवल, जैक बोर्ड का जो लेवल था ना पहले की तुलना में, लेवल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजेज हो रही है, लेवल में काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, इंक्रीजेज हो रही है। तो पढ़ाई पे बाबू ध्यान रखिएगा। ये तो अभी आप लोगों का क्लास 11 में आपको तो ऐसा ही पास कर दिया जाएगा, लेकिन क्लास 12 में कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से तैयारी करने की, जो मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन पे 1 अप्रैल से न्यू बैच आप लोगों को स्टार्ट हो रही है, ठीक है। नेम द पोएम ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, कहां से लिया गया है ये स्टेटमेंट जो आप लोगों का दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपका पोएम का नाम क्या है मेरे दोस्त? द वॉइस ऑफ द रेन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? 20 का सही उत्तर हो जाएगी। हु इज द टी इन द पोएम? द वॉइस ऑफ द रेन। किसके बारे में बताया गया? द वॉइस ऑफ द रेन के बारे में बताए गए थे। अगला है द वर्ल्ड इम्पोरेबल इन द फोर्थ लाइन मीन्स, याद रखिएगा जो फोर्थ लाइन यहाँ पे आपका दिया हुआ है मेरे दोस्त, याद रखिएगा जो यहाँ पे फोर्थ लाइन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फोर्थ लाइन जो आपके दिया हुआ है, इसका मीनिंग आपको बताने की एक्चुअली यहाँ पे क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पे स्ट्रांग के बारे में कहना चाहता है। क्या मेरे भाई? अर्थ के स्ट्रांग के बारे में कहना चाहता है, इसको भी आपको ध्यान से देना है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर स्ट्रांग, क्या हो जाएगी? स्ट्रांग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वाइट मदर्स एंड हर कजन वेर स्टैंडिंग एट द बीच, समुद्र के तट पे। कहां पे? समुद्र, बीच का मतलब होता है समुद्र का तट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते सर अगला क्वेश्चन, द लेब्रियम टॉप इज, बताएंगे सर जो टॉपिक है ना आप लोग का द लेब्रियम टॉप, वहीं से ये क्वेश्चन आपसे लिया गया है, तो याद रखिएगा इसका राइट क्या हो जाएगी? मैं क्विट साइलेंट एंड स्टील। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग को जो 20 है, द पोएट मार्कस नाथिन वन टू नाउ, तो बताएंगे सर क्या होगी? तो आप यहां से आपका है ना आपका बुक का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपका बुक का क्वेश्चन याद हो गया है, मतलब स्टार्ट हो गया है 20 मार्क्स का। तो आप ग्रामेटिकल हो, पैसे सेक्शन हो, या आपका लिटरेचर सेक्शन हो, वो आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन 20 मार्क्स को आगे सॉल्व करने के लिए आपको बुक का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर बुक नहीं पढ़ाना चाहते तो हमारी टीम ने जो 10 सेट तैयार किए, एक सेट में 40 क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग काउंट करेंगे तो 400 क्वेश्चन आएंगे। अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं 400 क्वेश्चन को, यकीन मानिए इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन करना होगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद कैसे डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक पड़ा हुआ है, जाके आप डाउनलोड कीजिए और वहां पे क्लास 11 की जो कोर्स है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। द पोएट मार्कस नाथिन वन टू नाउ, तो बताएंगे सर क्या होगा? द डे द लॉस्ट चाइल्ड हिज चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, 21 इन द पोएम फादर टू सन, द फादर इज रेडी टू फॉरगिव हिम, क्या फॉरगिव हिम? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है कि दैट गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ रिफर टू, क्या रिफर्ट करता है? नरेटर मदर्स के बारे में। किसके बारे में? नरेटर्स मदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रैंड मदर वेंट टू द स्कूल विथ हर नरेटर बिकॉज, आपसे पूछा गया जो ग्रैंड मदर है वेंट टू, जब स्कूल जाते तो विथ द नरेटर बिकॉज, क्या फील होता है? द स्कूल वाज अट्रेस्ट द टेम्पल, एक मंदिर के सामने वो स्कूल क्या था, कैसे फील हो रहा था मेरे भाई? याद रखिएगा मंदिर के सामने जो है स्कूल बिल्कुल अटैच था, ठीक है। आते सर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो टॉपिक है ना, वही टॉपिक से ये क्वेश्चन का आंसर था। फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर गोर्डन कुक सेट स्टे सेट सेल, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? प्लमाउथ इंग्लैंड, क्या हो जाएगी? प्लमाउथ इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर गोर्डन कुक सेट सेल, बताएंगे सर क्या होगी? प्लमाउथ इंग्लैंड, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए। हु वाज द लास्ट देयर ऑफ द पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? किंग टूट, क्या हो जाएगी? किंग टूट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असर्ट दैट द स्टेट सेल
एडवाइस वर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट आर्टिकल 48A क्या जाएगी आर्टिकल 48A। जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस लिए हैं याद रखिएगा मेरे भाई, मैं पॉलिटिकल साइंस में भरपूर मात्रा में ये सब के बारे में, आर्टिकल क्या है, IPC इंडियन पिनल कोड क्या है, याद रखिए ये सब के बारे में मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, टॉपले इज एक्सटर्नली इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, क्या हो जाएगी इंग्लिश, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 बात है, वेयर वाज प्रोफेसर ग्वाइटेंड गोइंग टू, कहां पे गोइंग कर रहे थे, पुणे, याद रखिए जो प्रोफेसर ग्वाइटेंड थे वो कहां पे गोइंग कर रहे थे, कहां जा रहे थे, तो पुणे जा रहे थे, कहां मेरे दोस्त, पुणे जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है तो हु गेव द नरेटर निक मिडलटन ए परवेल प्रेजेंट एंड वाज द प्रेजेंट गिव एट रावू, तो बताएंगे सर क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है सर हु टॉप ऑन द विंडोज इन द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, तो बताएंगे सर क्या होगी, अंकल आपका याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय मार्गा मिंको, याद रखिएगा राइटर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि तीन क्वेश्चन आपसे पेपर में छपेगी, कितना क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय मार्गा मिंको, मेरे भाई याद रखिएगा मार्गा मिंको राइटर है किसका, द एड्रेसेस का, किसका, द एड्रेसेस का राइटर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 है कि रंगा हैड नेम्ड हिज सन विनोद, क्या नाम था, विनोद नाम था, क्या था मेरा, याद रखिएगा विनोद नाम था, ठीक है समझिएगा। अच्छा यहाँ पे जो मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ ना ये आप लोगों का सिर्फ इंग्लिश मीडियम है, क्या है इंग्लिश मीडियम, लेकिन जब आप क्लास 12 में जाएंगे, जब हम लोगों का 1 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होगी मेरे भाई, जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए वैलिड होगी, वहां पे आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ताकि इंग्लिश के बच्चे को हिंदी में तकलीफ ना हो और हिंदी के बच्चे को इंग्लिश में तकलीफ ना हो, ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा, एक तरफ इंग्लिश होगी एक तरफ हिंदी, दोनों भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डैश वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन इज कजन, कौन था, इल्सा, याद रखिए उनका कजन कौन था, याद रखिएगा मेरे भाई सी, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर अगला क्वेश्चन 34 है कि शाहिद हैड बीन अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर फॉर अबाउट, जो शाहिद ना शाहिद उसका कैंसर हो गया था, कितने उम्र में उसका ट्रीटमेंट हो रही थी, याद है कितना, कौन सा मंथ में था, 14 मंथ तक उसका ट्रीटमेंट हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आगे सर 35 है कि हु वाज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रो मानसन, तो बताएंगे सर जॉयस मार्गन, क्या जाएगी, जॉय मार्गन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाट वाज आंड्रेन मार्सन प्रोफेसर, तो बताएंगे सर क्या था, डॉक्टर, एक प्रकार क्या था सर, वो डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्च बिकॉज, तो बताएंगे सर द आर्च बॉल्ट वाज टू लो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सर व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रंगा, याद रखिए क्या था, होसाहाली, क्या नाम था विलेज ऑफ द रंगा, बताएंगे सर होसाहाली, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है द क्राइम मैन लैरी विजिल वाज एन अमेरिकन, क्या था वो, एक अमेरिकन था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गंगाधर पंत ग्वाइटेंड इज ए प्रोफेसर ऑफ, क्या था, हिस्ट्री, यह क्वेश्चन में एक बार नहीं अभी तो कई बार पूछे जा चुके हैं मेरे भाई, याद रखिएगा वो हिस्ट्री का प्रोफेसर थे, कौन, गंगाधर पंत, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने आप लोगों को सेट टू अच्छी तरह से मैं कंप्लीट करवाया हूं, क्या मेरे दोस्त, अगर आप लोग चाहते सर हम लोग को इसी तरह से सेट थ्री भी जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, और आगामी 1 अप्रैल से आप लोग का जो न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है उसके लिए आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।